So we are revising chapter Nationalism in India, and from this you have done First World War, how First World War created the feelings of nationalism among Indians. You have done in the last week, you have done this topic, and you have also done the topic Satyagraha movement. Satyagraha movement bhi maine karwa di thi, Jallianwala Bagh incident you have done. If agar koi isme se topic rehta, you can share with me, but I have revised all these topics. First of all, those Jallianwala Bagh incident, Satyagraha movement you have done, and Satyagraha rounds of Mahatma Gandhi you have done. Satyagraha rounds unhone Champaran, and then you have read about Khera district and then Ahmedabad. Rowlatt Act bhi aap pad chuke ho, Rowlatt Satyagraha bhi aapko maine revise kara diya. Now today I am going to revise. Agar in topics mein problem hai to you can share with me. So today I am going to revise ke why Gandhi ji, we were doing on that day that why Gandhi ji called back Satyagraha movement. Kyun unhone wapas li thi Satyagraha? Because it was limited to few areas where Gandhi ji visited. In other parts of India, people did not know about Satyagraha movement. वैसे भी violence हो गई थी and Gandhi ji was against violence. तो इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट को वापस लेने का डिसीजन लिया. एंड नाउ ही वांटेड टू डिसाइड, नो ही वांटेड टू लॉन्च मास मूवमेंट बाय ज्वाइनिंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. तो अब गांधी जी हिंदू एंड मुस्लिम्स के, हिंदू एंड मुस्लिम्स को इकट्ठे मिलके एक मूवमेंट चलाना चाहते थे, मास मूवमेंट बनाना चाहते थे. तो उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट वापस ली. अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो है दैट अकर्ड इन 1919. तो 1920 में उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने का डिसीजन लिया. बट ही हैड टू कन्विंस द कांग्रेस लीडर्स, बिकॉज सम ऑफ द कांग्रेस लीडर्स दे डिडंट वांट टू ज्वाइन हैंड्स विद मुस्लिम्स. तो गांधी जी हैड टू कन्विंस देम. अब उनको उनको कन्विंस कैसे उन्होंने किया, कहाँ कहाँ किया, यू हैव टू लर्न. फर्स्ट इज आपको याद रखना है सितंबर में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, सितंबर सेशन कलकत्ता. आपने कोलकाता नहीं लिखना, कलकत्ता लिखना है. सितंबर 1920 में हुआ था ये सेशन, सितंबर 1920 कलकत्ता सेशन. तो ये मैप में भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये पूछ सकते हैं सितंबर 1920 का सेशन कहाँ पे हुआ, वो प्लेस लोकेट करो, देन यू हैव टू लोकेट कलकत्ता. तो फर्स्ट जो कांग्रेस का सेशन जब हुआ ना सितंबर 1920 कलकत्ता में, तो गांधी जी कन्विंस द कांग्रेस लीडर्स, उन्हें वहां पे उन्होंने कहा कि देयर इज नीड टू जॉइन हैंड्स विद मुस्लिम्स, बट दे रिफ्यूज्ड, दे डोंट एग्री टू जॉइन हैंड्स विद मुस्लिम. फिर दिसंबर मंथ में 1920 में ही दोबारा नागपुर में फिर कांग्रेस का एक सेशन हुआ. यू हैव टू लर्न दिस फॉर मैप आल्सो. मैप में पेपर में पूछते होते हैं दिसंबर 1920 का सेशन कहाँ पे हुआ, वो आप प्लेस लोकेट करो. तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना, अगर नागपुर है तो नागपुर ही, दिसंबर नागपुर, सितंबर कलकत्ता, ईयर सेम है. तो गांधी जी ने यहाँ पे भी उन्हें कन्विंस किया. फर्स्टली कन्विंस्ड हियर, दे डिडंट एग्री, देन ही कन्विंस्ड हियर. बट अब क्या हुआ, कांग्रेस लीडर्स एग्रीड, मान गए, दे एग्रीड टू ज्वाइन हैंड्स विद मुस्लिम्स. तो फाइनल डिसीजन वाज टेकन एट नागपुर सेशन. अब यहाँ पे फाइनल डिसीजन लिया गया. नाउ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट अब ये इकट्ठी लॉन्च हुई थी. अगर नॉन कॉपरेशन पूछे तो 1920 अकेला, अगर नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट है ना, तो उसके लिए आपको याद रखना है जनवरी, मैं यहीं पे लिखती हूँ जनवरी 1921. नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो है ना, दैट इज, दैट वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 1921. अब नॉन कॉपरेशन क्यों, हिंदू एंड सिख्स बोथ वर अगेंस्ट ब्रिटिश ड्यू टू जलियांवाला बाग इंसिडेंट. तो हिंदू और सिख तो नाराज थे क्योंकि जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था. खिलाफत क्यों, मुस्लिम्स वर आल्सो अगेंस्ट ब्रिटिश बिकॉज इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की गॉट डिफीटेड. इन यूरोप चैप्टर यू हैव रेड, सुल्तान वाज नोन एज सिख मैन ऑफ यूरोप.
कहीं ना कहीं वो सुल्तान जो था वो वीक हो चुका था. He was spiritual head of Muslims, religious head. तो टर्की गॉट डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. पावर्स ऑफ खलीफा वर टेकन बाय ब्रिटिश. खलीफा की पावर्स ब्रिटिश ने छीन ली थी. He was spiritual head of Muslims. This was not tolerated by a Muslim community. And from the Muslims, Ali brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali, learn these names. From the Muslims, जैसे आप कहोगे कि हिंदू और सिख की तरफ से महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे. From the Muslims, Ali brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali wanted to launch Khilafat movement. क्योंकि उनके स्पिरिचुअल हेड की पावर्स ब्रिटिश ने छीन ली थी. तो दे वांटेड टू लॉन्च खिलाफत मूवमेंट एंड दे आल्सो वांटेड टू जॉइन हैंड्स विद महात्मा गांधी. इधर से गांधी जी तो चाहते ही थे हैंड जॉइन करना. अली ब्रदर्स आल्सो वांटेड टू जॉइन हैंड्स विद महात्मा गांधी. अब कांग्रेस लीडर्स नागपुर सेशन में मान गए. यहाँ पे वो नहीं माने, यहाँ पे वो मान गए. गांधी जी यहाँ पे उन्हें कन्विंस कर लिया. तो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट दिसंबर 1920 में वो माने, जनवरी 1921 में ये मूवमेंट इकट्ठी, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट इकट्ठी लॉन्च हो गई. अब पूछा जाए हु लॉन्च नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, तो आपने कहना महात्मा गांधी विद अली ब्रदर्स. साथ में आपने नेम मेंशन कर देने हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली. अब ये मूवमेंट जनवरी 1921 में लॉन्च हो गई. अब नॉन कोऑपरेशन का मीनिंग पता होना चाहिए. जैसे सत्याग्रह का आपको मीनिंग पता है, फाइट फॉर ट्रूथ. तो नॉन कोऑपरेशन का मीनिंग है नॉट टू कोऑपरेट ब्रिटिश. नॉट टू कोऑपरेट. किसको नहीं करना कोऑपरेट? ब्रिटिश को. गांधी जी इंडियंस को कहते होते थे कि ब्रिटिश को कोऑपरेट करना बंद करो. अब यहाँ पे क्या हुआ, 1909 में, ये पुरानी बात है, तब गांधी जी वाज नॉट इन इंडिया. 1909 में गांधी जी रोट बुक हिंद स्वराज. ये आपको लर्न करना है, नेम ऑफ द बुक हिंद स्वराज. इन दैट ही आस्क्ड इंडियंस इफ, ही टोल्ड इंडिया इफ यू स्टॉप कोऑपरेटिंग ब्रिटिश देन ब्रिटिश रूल वुड ऑटोमेटिकली कम टू एन एंड. पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछते होते हैं, In which year हिंद स्वराज was, who wrote हिंद स्वराज and in which year? कौन से year में हिंद स्वराज लिखी गई and किसने लिखी? What was the idea given by the author in that book? तो आपने बताना हिंद स्वराज was written in 1909 by महात्मा गांधी. In this गांधी जी asked that if Indians stopped cooperating the British, British rule would automatically come to an end. उन्होंने कहा था इनको cooperate करना बंद कर दो British को, because Indians cooperate करते होते थे. उन्होंने कहा कि अगर Indians cooperate करना बंद कर देंगे ना British को, तो British rule तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा. तो ये उन्होंने 1909 में लोगों को ये वाला message दिया था, stop cooperating the British. तो non-cooperation का meaning है Not to cooperate British. तो ये मूवमेंट लॉन्च हो गई. बेस क्या रखा, नॉन वायलेंस, बिकॉज गांधी जी हमेशा नॉन वायलेंस में ही बिलीव करते थे. तो इस मूवमेंट में पहले तो जब ये मूवमेंट लॉन्च करनी थी ना, ही वॉन्टेड टू मेक इट मास मूवमेंट. एंड ड्यू टू दिस रीजन गांधी जी एंड शौकत अली टुक द राउंड ऑफ ऑल इंडिया. क्योंकि वो इसे मास मूवमेंट बनाना चाहते थे, क्योंकि उनकी सत्याग्रह मूवमेंट मास मूवमेंट नहीं बन पाई थी. बट दिस टाइम वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे. तो गांधी जी ने एंड शौकत अली ने होल इंडिया का राउंड लगाया, इनकरेज इंडियंस टू ज्वाइन दिस मूवमेंट. तो अब इस मूवमेंट का प्रोग्राम क्या था, पूछते होते हैं प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो इसमें आपने बताना है इस मूवमेंट में सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि नॉट टू कोऑपरेट ब्रिटिश, to boycott British goods, to use Indian goods, to boycott British institutions, to surrender the titles given by the British. Rabindranath Tagore ने नाइटहुड का टाइटल वापस किया था आफ्टर जलियांवाला बाग इंसिडेंट.
तो गांधी जी ने कहा कि सरेंडर द टाइटल्स गिवन बाय द ब्रिटिश, इंडियंस को ये वाले मैसेजेस दिए इन दिस मूवमेंट, एंड ब्रिटिश गुड्स का बाइकॉट करो, इंडियन गुड्स यूज करो, और साथ में कहा ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का भी बाइकॉट करो, तो उनको कोऑपरेट करना बंद करो। इस मूवमेंट में उन्होंने ये सब कुछ बताया। अब ये मूवमेंट डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोगों ने ज्वाइन किया, because it took the round of whole of India, encouraged the people to join this movement. How people participated in this movement? Ab logo ne is movement mein kaise part liya? First of all, to agar hum baat kare to towns ki, towns mein, in towns, towns ke movement in towns, paper mein aise question aata hota hai, non population khilafat movement spread in towns, but after few months slowed down. ये movement towns में spread हुई, but few months के बाद ये slowed down हो गई, reason बताओ। तो आपने कहना non-cooperation की लागत, towns के जो लोग थे ना, they were active participants of this movement. They boycotted the British goods. They bought British goods in tea. ये सब points आपने बनाते जाना। They surrendered the titles given by the British. They boycotted the British institutions, students, teachers, doctors, they left the British institutions. फिर आपने बताना people started buying khadi and they boycotted the mill-made clothes. They promoted khadi, उन्होंने khadi को promote किया, they started using khadi, khadi को use करना शुरू कर दिया and boycotted the mill-made clothes. बट फिर आपने सब पहले सारे पॉइंट्स लिखने के बाद फिर आपने एक लाइन लिखनी है, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स दिस मूवमेंट स्लोड डाउन इन टाउन्स, बिकॉज फिर अपने पॉइंट्स बनाने हैं, देयर वर नो इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड पीपल हैड टू ज्वाइन ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस अगेन। कितनी देर बच्चे स्कूल से घर बैठे रहते, कितनी देर टीचर्स डॉक्टर्स अपने इंस्टीट्यूशन छोड़ के बैठे रहते, तो देर वर नो इंडियन इंस्टीट्यूशंस, तो सबको अपने दोबारा इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करने पड़े जो कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस थे। इट मीन्स पीपल हैड टू ज्वाइन देयर इंस्टीट्यूशंस अगेन, इंडियन तो थे ही नहीं यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस, इट मीन्स ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस में लोग वापस आ गए। नेक्स्ट, खादी वॉज एक्सपेंसिव, तो इंडियंस जो थे ना अंडर ब्रिटिश, दे वर पुअर, दे कुड नॉट अफोर्ड खादी, that's why they started using mill-made cloth again, because mill-made cloth was cheap as compared to khadi. So log jo the wo poor the under British, to unhone khadi ko chhod ke fir mill-made cloth kharida. So it means kahin na kahin jin cheezon ka unhone boycott kiya tha wo dobara use kare. So in towns movement slow down ho gayi, kyunki इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे और खादी भी एक्सपेंसिव थी। अगर आपसे पूछे कि टाउन्स में से कैसा टाउन बताओ जहां पे मूवमेंट स्प्रेड ही नहीं हुई, तो दैट इज मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास में ये मूवमेंट स्प्रेड ही नहीं हुई। व्हाट वाज द रीजन व्हाई दिस मूवमेंट डिडंट स्प्रेड इन मद्रास प्रेसिडेंसी? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे ये मूवमेंट नहीं स्प्रेड हुई थी, ठीक है? आपने बताना है इन मद्रास देयर वर नॉन ब्राह्मण्स, जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी ना, दैट वाज ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, एंड नॉन ब्राह्मण्स ऑलवेज दे वर ऑलवेज ऑन द व्यू दैट कांग्रेस ऑलवेज गिव हाई पोजीशन टू द ब्राह्मण्स। कांग्रेस सारी हाई पोजीशंस, पावरफुल पोजीशंस जितनी भी होती हैं वो ब्राह्मण्स को देती है, नॉट टू नॉन ब्राह्मण्स। तो उनको कहीं ना कहीं जायस थी, they wanted to remain with the British, they wanted to take part in elections, because they were on the view that by taking part in elections they would come in power on their own, kyunki congress ko ne power mein nahi layegi, unko tha ki agar hum elections mein part lenge to hum apne aap power mein aa jayenge, kyunki congress ne to sirf brahmanon ko hi high position deni hai, to हमें पावर में नहीं लेके आएगी कांग्रेस। तो उनको लगता था कि हमें इलेक्शंस में ही पार्ट लेना चाहिए, ब्रिटिश के साइड रहना चाहिए, तो अब इलेक्शंस में पार्ट लेने से हम अपने आप ही पावर में आ जाएंगे।
तो इन मद्रास प्रेसिडेंसी पीपल डिड नॉट ज्वाइन दिस मूवमेंट, क्योंकि वहां पे कौन रहते थे? नॉन ब्राह्मण्स, एंड नॉन ब्राह्मण्स वर ऑन द व्यू दैट कांग्रेस वुड नॉट गिव देम हाई पोजीशंस, बिकॉज कांग्रेस ऑलवेज गिव हाई पोजीशंस टू ब्राह्मण्स. सो दैट्स व्हाई दे वांटेड टू टेक पार्ट इन इलेक्शंस, बिकॉज दे वर ऑन द व्यू दैट बाय टेकिंग पार्ट इन इलेक्शंस दे वुड कम इन पावर ऑन देयर ओन. तो इन दिस वे मद्रास प्रेसिडेंसी ये मूवमेंट स्प्रेड नहीं हुई. टाउन्स में मूवमेंट स्प्रेड होके भी स्लोड डाउन हो गई. यू नो द रीजन कि टाउन्स के लोग जो थे वो एक्टिव पार्टिसिपेंट तो थे, बट उन्होंने जिन चीजों का बाइकॉट किया वही उन्हें दोबारा यूज करनी पड़ी. तो ड्यू टू दिस रीजन दिस मूवमेंट स्लोड डाउन इन टाउन्स. अब टाउन्स है तो इसके बाद आएगा इन कंट्री साइड. मूवमेंट इन कंट्री साइड यू नो इट वेरी वेल, विलेज एरियाज. मूवमेंट इन कंट्री साइड. अब कंट्री साइड में क्या हुआ? व्हाट हैपेंड इन कंट्री साइड? नो डाउट टाउन्स के लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, उन्होंने ब्रिटिश गुड्स का ही बाइकॉट किया, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का बाइकॉट किया, बट कंट्री साइड के लोगों को स्वराज का मीनिंग भी नहीं पता था. पीपल ऑफ कंट्री साइड दे हैड नो फाइट विद ब्रिटिश, दे हैड देयर फाइट विद तालुकदार. तालुकदारों के साथ उनका झगड़ा था. फॉर द पीपल ऑफ कंट्री साइड स्वराज मीन टू गेट फ्रीडम फ्रॉम तालुकदार. ये ब्रिटिश से फ्रीडम नहीं मांग रहे थे, ये तालुकदारों से फ्रीडम मांग रहे थे. तालुकदार जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, तालुकदार. दीज पीपल वॉन्टेड टू गेट फ्रीडम फ्रॉम तालुकदार. कंट्री साइड के लोग जो थे दे हैड नो फाइट विद ब्रिटिश, दे वॉन्टेड टू गेट फ्रीडम फ्रॉम तालुकदार. इनकी ब्रिटिश के साथ लड़ाई नहीं थी, लड़ाई किसके साथ थी? तालुकदारों के साथ. ये ब्रिटिश से फ्रीडम नहीं मांग रहे थे, ये तालुकदार से फ्रीडम मांग रहे थे. तालुकदार कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स. तो पीजेंट्स वर नॉट इन कंडीशन टू पे रेवेन्यू, क्योंकि वार हो गया थी फर्स्ट वर्ल्ड वार. दे वर नॉट इन कंडीशन टू पे रेवेन्यू, बट तालुकदार फोर्स देम. ये क्रूअल हो जाते थे पीजेंट्स के साथ और रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. दे फोर्स द पीजेंट्स टू पे रेवेन्यू. तो पीजेंट्स टर्न्ड अगेंस्ट द तालुकदार. हियर द मूवमेंट वॉज लेड बाय बाबा रामचंद्र सन्यासी. लर्न द नेम. इन कंट्री साइड मूवमेंट वॉज लेड बाय बाबा रामचंद्र सन्यासी. बाबा रामचंद्र सन्यासी इंडेंचर्ड लेबरर रह चुके थे. तो ही वॉज द लीडर इन द कंट्री साइड. फ्रॉम द कांग्रेस पंडित नेहरू विजिटेड अवध. अब पंडित नेहरू कंट्री साइड वाले एरिया में अवध की साइड गए टू हेल्प दीज पीपल एंड सेट अप ओध किसान सभा. पंडित नेहरू फ्रॉम द कांग्रेस विजिटेड अवध. अवध गए, इन लोगों की हेल्प करने गए थे पंडित नेहरू एंड सेट अप ओध किसान सभा विद बाबा रामचंद्र सन्यासी. तो उन्होंने ओध किसान सभा सेटअप कर ली. इसके साथ मिलते थे पंडित नेहरू ने बाबा रामचंद्र सन्यासी के साथ. तो बट अब कांग्रेस तो अपनी तरफ से हेल्प करने गई, बट हियर ये कंट्री साइड के जो लोग थे ना वो वायलेंट हो गए और इन्होंने तालुकदारों के घरों पे अटैक कर दिए. देयर पीपल टर्न्ड वायलेंट एंड दे अटैक्ड द हाउसेज ऑफ तालुकदार. अब कांग्रेस ने अपनी सपोर्ट जो देनी दी थी वो देनी बंद कर दी, क्योंकि गांधी जी वाज अगेंस्ट वायलेंस. तो ये लोग वायलेंट हुए थे एंड दे अटैक द हाउसेज ऑफ तालुकदार. इन्होंने तालुकदारों के घरों पे अटैक किए. तो ये गांधी जी को ऐसी बातें जो नॉन वो कहते थे जो भी काम करना है नॉन वायलेंट रहते थे, वो वायलेंस के अगेंस्ट थे. तो इस वजह से कंट्री साइड में भी कहीं ना कहीं ये मूवमेंट स्लो डाउन होती चली गई. कंट्री साइड के लोगों की लड़ाई ब्रिटिश के साथ नहीं थी. फॉर देम स्वराज मीन टू गेट फ्रीडम फ्रॉम तालुकदार. वो ब्रिटिश से फ्रीडम नहीं मांग रहे, इंडियन से फ्रीडम मांग रहा है. देखो इंडियन से ही फ्रीडम मांग रहा है.
पीजेंट्स भी इंडियन थे, तालुकदार भी इंडियन थे, तो ये फॉरन रूल से नहीं फ्रीडम मांग रहे, मीन्स सब इनको मीनिंग ही नहीं क्लियर होएगा नॉन कॉपरेशन का, तो ये इनके साथ कह रहे थे कि कॉपरेट नहीं करना, तालुकदार हम टेरिटरी एवेन्यू नहीं देंगे। तो यहाँ पे लीडर कौन बने, बाबा रामचंद्र सन्यासी। कांग्रेस की तरफ से पेपर में पूछते होते हैं हु सेट अप ओथ किसान सभा, बाबा रामचंद्र सन्यासी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों ने मिलकर की थी ओथ किसान सभा, इन लोगों की हेल्प के लिए की थी जो पीजेंट्स थे, बट देयर पीपल टर्न्ड वायलेंट, लोगों ने वेट ही नहीं की, वो वायलेंट हो गए, तालुकदारों के घरों पर अटैक किए, वायलेंस हो गई, तो कहीं ना कहीं ये मूवमेंट भी यहाँ पे रुक सी गई। अब नेक्स्ट हमने किया मूवमेंट इन टाउन्स, फिर मैंने करवाया मूवमेंट इन कंट्री साइड, अब मूवमेंट इन ट्राइबल एरियाज, इन ट्राइबल एरियाज ट्राइबल एरियाज के लोगों के लिए स्वराज का मीनिंग क्या था, नॉलेशन कैरफुली, ये भी देखो फ्रीडम नहीं मांग रहे, फॉर द पीपल ऑफ ट्राइबल एरिया स्वराज मीन, एक छोटा सा अपना कॉज लेके आए थे टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बस। आप नाइन्थ में एक चैप्टर पढ़ा है फॉरेस्ट वाला, तो उसमें आपने पढ़ा था कि ब्रिटिश का जब होल्ड होता है ना इंडियन फॉरेस्ट पे, तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर नॉट अलाउड टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उन्हें फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने का राइट नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश ने फॉरेस्ट को कैटेगरीज में बांट दिया था, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, तो जो रिजर्व थे ना वहां पे तो इंडियंस की एंट्री भी बैन थी, तो कहीं ना कहीं ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे ना जो दे लॉस्ट देयर ऑक्यूपेशंस, दे लॉस्ट देयर शेल्टर्स, दे लॉस्ट देयर सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड, तो ये लोग क्या चाहते थे, फॉर द पीपल ऑफ ट्राइबल एरियाज स्वराज मीन टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बस इतना सा कॉज लेके आए थे ये लोग। एंड हियर ये कहाँ पे लॉन्च हुई, इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश की बात करेंगे यहाँ पे, इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तो हियर द मूवमेंट वॉज लेड बाय अलूरी सीताराम राजू, इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश जो ट्राइबल पीपल थे ना उन्होंने डिमांड रखी, दे वॉन्टेड टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अब उन्होंने ज्वाइन की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बट एक छोटी सी डिमांड के साथ दे वॉन्टेड टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, देखो ये भी ब्रिटिश से फ्रीडम नहीं मांग रहे, तो हियर द लीडर वॉज अलूरी सीताराम राजू, मैं कौन से एरिया की बात कर रही हूँ, आंध्र प्रदेश, गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, एंड हियर द लीडर वॉज अलूरी सीताराम राजू, अब अलूरी जो था ना ही कॉल्ड हिमसेल्फ, ही डिक्लेयर्ड दैट ही हैड स्ट्रेंज क्वालिटीज, वो अपने आप को कहता होता था कि उसमें बहुत सी क्वालिटीज हैं, और वो क्या कहता होता था, दैट ही वाज इनकारनेशन ऑफ गॉड, अलूरी कॉल्ड हिमसेल्फ एज द इनकारनेशन ऑफ, भगवान का अवतार है, विष्णु भगवान का अवतार है वो, फिर वो कहता था दैट ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, किसी भी गोली लगने से डेथ हो जाए वो उसे जिंदा कर सकता है, तो ऐसा था अलूरी, अलूरी कॉल्ड हिमसेल्फ एज द इनकारनेशन ऑफ गॉड एंड ही सेड दैट ही कुड सर्वाइव इन बुलेट शॉट, तो अलूरी जो था ना ही वाज फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, ही प्रमोटेड खादी, ही आस्क्ड पीपल, इनकरेज पीपल टू वेयर खादी एंड बाय कॉट द मिलमेड क्लोथ, बट ही बिलीव्ड इन वायलेंस, व्हेयरएज गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, तो ये ट्राइबल था ना तो दैट्स व्हाई ही बिलीव्ड इन वायलेंस, ये वायलेंस में बिलीव करता था, गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, तो यहाँ पे लूरी के व्यूज जो थे वो गांधी जी के साथ मैच नहीं हो रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ट्राइबल्स थे ना इनका लीडर अलूरी, इन्होंने एक पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, दे अटैक द पुलिस स्टेशन, अलूरी ने पुलिस स्टेशन पे अटैक किया एंड सेट इट ऑन फायर, तो हम कहेंगे कि ब्रिटिश ने इसको अरेस्ट किया, ब्रिटिश अरेस्टेड अलूरी, ब्रिटिश ने अलूरी को अरेस्ट कर लिया एंड अलूरी सीताराम राजू, He was arrested
and executed by the British in 1924 में उसे ब्रिटिश ने एग्जीक्यूट कर दिया, फांसी दे दी। अलूरी ने किस पे अटैक किया? ही अटैक्ड ऑन पुलिस स्टेशन। ब्रिटिश कैप्चर्ड अलूरी एंड ही वाज एग्जीक्यूटेड इन 1924। 1924 में से उन्होंने फांसी की सजा दे दी अलूरी सीताराम राजू को। तब तक तो ये मूवमेंट भी खत्म हो चुकी थी। जब अलूरी जेल में था जब ये मूवमेंट कॉल बैक की थी महात्मा गांधी ने, तो वो अभी हमने करना है, चोरी चोरा इंसिडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट इन प्लांटेशन एरियाज, कि ये मूवमेंट प्लांटेशन एरियाज में कैसे स्प्रेड हुई। यू हैव डन मूवमेंट इन टाउन्स, देन मूवमेंट इन कंट्री साइड। यहाँ पे आपको याद रखना है बाबा रामचंद्र सन्यासी, इसका क्वेश्चन है मूवमेंट इन टाउन्स, मूवमेंट स्प्रेड डाउन बट आफ्टर फ्यू मंथ्स स्लो डाउन। स्लो डाउन के रीजंस आपको बताना चाहिए कि वहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे और साथ में खादी वाज एक्सपेंसिव, तो इसको आपने ऐसे करना है। यहाँ पे कंट्री साइड में आपने कहना कि लोगों की लड़ाई तो ब्रिटिश के साथ थी नहीं, ये तो ताल्लुकदारों से लड़ रहे थे, दे वांटेड टू गेट फ्रीडम फ्रॉम ताल्लुकदार, ये तो ब्रिटिश के साथ लड़ ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पे लीडर कौन था? बाबा रामचंद्र सन्यासी। फ्रॉम द कांग्रेस कौन वहां अवध गए? पंडित नेहरू। क्या सेटअप की? ओद किसान सभा। ये सारे वन मार्क क्वेश्चंस हैं। अब ओद किसान सभा सेटअप तो हुई बट हियर पीपल टर्न्ड वायलेंट और उन्होंने ताल्लुकदारों के घरों पे अटैक किए, तो कहीं ना कहीं ये मूवमेंट पर स्लो डाउन होगी बिकॉज कांग्रेस वॉज अगेंस्ट वायलेंस, गांधी जी वॉज अगेंस्ट वायलेंस। फिर ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज के लोगों के लिए स्वराज का मीनिंग क्या था? टू कलेक्ट ओनली फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये भी ब्रिटिश से फ्रीडम नहीं मांग रहे, इस छोटे से कॉज के साथ आए थे। एंड हियर इन द गुरिम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश अलूरी सीताराम राजू लेड दिस मूवमेंट। ही वॉज मैन विद स्ट्रेंज क्वालिटीज, ही सेड हिमसेल्फ एज द इनकारनेशन ऑफ गॉड, ही सेड दैट ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट। ऐसी वाली बातें वो लोगों को कहता होता था अट्रैक्ट करने के लिए। अब इन्होंने क्या किया? अलूरी ने एक पुलिस स्टेशन पे अटैक किया एंड ही वाज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश एंड ही वाज एग्जीक्यूटेड इन 1924। अलूरी वाज एग्जीक्यूटेड इन 1924 में ब्रिटिश ने इसे फांसी दे दी। नेक्स्ट इज मूवमेंट इन प्लांटेशन एरियाज, तो वो मैं आज नहीं करवा रही।